हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया पीक्यूएलआई को और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एचडीआई को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। जो ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ये इंट्रोड्यूस किया गया यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। स्टार्टिंग हुई 1990 में HDI की, 1990 में स्टार्टिंग हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई और उसके बाद हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। साल दर साल जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती गई वो और भी ज्यादा एनलार्ज्ड और रिफाइंड होती गई। HDI के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट रैंकिंग दी जाती है और उसके बेसिस पर हम वहां पर हो रहे ह्यूमन डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग अचीव्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज किया जाता है और साथ ही साथ उनके वेलबींग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज किया जाता है। अब यहाँ पर जो हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं वो ना केवल इनकम और ग्रोथ रिलेटेड चॉइसेस हैं, बल्कि उसमें हम इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल सभी प्रकार की चॉइसेस की बात कर रहे हैं। देर आर मैनी अदर चॉइसेस सच एज एजुकेशन एंड लिटरेसी, हेल्थ, फिजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड स्पीच, जेंडर रिलेटेड डिवेलपमेंट्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल पावर। दीज चॉइसेस आर एज इम्पॉर्टेंट एज इनकम चॉइस। सभी चॉइसेस को प्रमुखता दी जाती है, इम्पॉर्टेंस दी जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। इम्प्रूविंग द ह्यूमन कंडीशंस फ्रॉम ऑल साइड्स, इस बात को अहमियत दी जाती है कि जो ह्यूमन कंडीशंस हैं वो सभी प्रकार से इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है सेंटर स्टेज। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को सेंट्रल स्टेज पर रखा जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर ह्यूमन को एक इंस्ट्रूमेंट ना समझ के उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है। सेंटर स्टेज में उसकी डिवेलपमेंट आती है। नेक्स्ट इज एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है रिजल्ट है सभी एक्टिविटीज का और इकोनॉमिक ग्रोथ उसको प्राप्त करने का एक साधन है। ऑल चॉइसेस, हमने बात कर ली है कि हम यहाँ पर सभी प्रकार की चॉइसेस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। इक्विटी, पीपल मस्ट हैव एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर मिलने चाहिए सभी को। सस्टेनेबिलिटी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों को मिले ऐसा हमें इंश्योर करना है। ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ना केवल बढ़ाना है बल्कि उनका प्रॉपर इस्तेमाल भी इंश्योर करना है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स किए। इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? HDI भी एक संयुक्त सूचकांक है UNDP द्वारा डेवलप किया हुआ। यहाँ पर जो स्केल है वो 0 से 1 तक होता है। 0 वर्स्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है और 1 बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसमें हम क्या क्या लेते हैं? लॉन्गेटिविटी, इट इम्प्लाइज हाउ लॉन्ग ए पर्सन लिव्स। अल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कितना अनुमान किया जाता है कि एक न्यू बॉर्न जिंदा रह पाएगा कितने ईयर्स तक। नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट, इसको हम
एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के द्वारा देखते हैं। एडल्ट लिटरेसी में क्या आता है, परसेंटेज ऑफ पीपल अबाव 15 ईयर्स ऑफ एज हु कैन रीड एंड राइट। लिटरेसी में हम किसकी बात करते हैं, जो लिख और पढ़ सकते हैं उनकी बात करते हैं, 15 साल से ऊपर। ये हम पुरानी मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट जो न्यू मेथोडोलॉजी है उसको भी डिस्कस करेंगे। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में क्या होता है, रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर एजुकेशन एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये रेशियो होता है टोटल स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड है बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो नई मेथडोलॉजी है उसमें हमारे 3 डायमेंशंस हैं। पहले पुरानी मेथडोलॉजी को ही डिस्कस कर लेते हैं। नई मेथडोलॉजी 2010 में इंट्रोड्यूस की गई, 2009 तक जो मेथडोलॉजी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी हमने किया कि एक तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं कि कितना जो है एन इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। सेकेंड, नॉलेज इन एजुकेशन, उसको कैसे मेजर किया जाता है, अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के द्वारा इनको वेट दिए जाते हैं। इस तरीके से दिए जाते थे, एजुकेशन इंडेक्स में 2/3 किसको, अडल्ट लिटरेसी इंडेक्स को, और 1/3 ग्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स को, इस प्रकार से निकाला जाता था। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता था नेचुरल लॉग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा एट परचेजिंग पार पैरिटी। ये हमारा पुराना मेथडोलॉजी है। नई मेथडोलॉजी में हमारे 3 कंपोनेंट्स या डायमेंशंस हैं। फर्स्ट है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको हम कैसे देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। जितना हेल्दी लाइफ होगी उतना ही वो लॉन्ग होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बढ़ेगी। सेकेंड है एक्सेस टू नॉलेज, इसको हम कैसे देखते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अभी इनको डिफाइन करेंगे। थर्ड है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे देखते हैं, GNI पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर। एक बार इनको डिफाइन कर लेते हैं तीनों को। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हमारा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा एट बर्थ। नेक्स्ट है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, MYS, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसकी डेफिनेशन को आपको समझना है, याद रखना है, ईयर्स दैट अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन और ओल्डर हैज स्पेंट इन स्कूल्स, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। 25 साल या उससे ज्यादा का जो पर्सन है उसने कितने ईयर्स स्कूल में स्पेंड किए हैं, ईयर्स दैट अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन और ओल्डर हैज स्पेंट इन स्कूल्स। उसके बाद है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में होगा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, वो साल दैट अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड विल स्पेंड, जो स्पेंड करेगा विद हिज एजुकेशन इन हिज होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में 5 साल के बाद बच्चा कितने साल एजुकेशन में स्पेंड करेगा, एजुकेशन के लिए देगा, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी। अब नई मेथोडोलॉजी में हमारे को ये मेन पार्ट है कि ये याद रखना है आप क्वेश्चन में, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम कैसे देखते हैं, जैसे हमने PQLI में भी डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये एक्चुअल जो है उस कंट्री की, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है और ये मिनिमम,
एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम की, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है जैसे जैसे डेटा अवेलेबल होता जाता है और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स में ज्योमेट्रिक मीन किसका, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का, -0, और ये हमारा मैक्सिमम है 0.951 -0। ये आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ पर हमारे दो इंडेक्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन लिया हुआ है। ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स को कैसे मेजर किया जाएगा। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग उस कंट्री के कितने हैं, -0, और ये 15 मैक्सिमम है, -0। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जितना उस कंट्री का है, -0, 18 -0। थर्ड है इनकम इंडेक्स, लॉग ऑफ GNI पर कैपिटा, और ये हमारा मैक्सिमम, ये उस कंट्री का एक्चुअल और ये मिनिमम, ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम की जो हमारी रेंज है। तो ये मैंने बता दिया आपको, जो ये रेंज है वो टाइम टू टाइम वेरी होती जाती है, इम्प्रूवमेंट की जाती है मेथोडोलॉजी में जिसके थ्रू HDI को कैलकुलेट किया जाता है। और जो हमारा मेन है, HDI को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन तीनों इंडेक्सेस की हेल्प से, इंडाइसेस की हेल्प से, HDI इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई में रखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल लेते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, और GNI पर कैपिटा क्या होती है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने नोट करी हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। HDI UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, USA में। HDI डिवेलप्ड बाय महबूब उल हक, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किन्होंने डिवेलप किया। महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी टीम में अमर्त्य सेन भी थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है HDI के बारे में कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप किया और उसमें जो हमारे हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं वो भी उनकी टीम में मेन मेंबर थे। अमर्त्य सेन का नाम अगर आ जाता है तो जनरल नॉलेज के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि उनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1998 में मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, जो उन्होंने बंगाल फेमीन पर रिसर्च किया, बंगाल फेमीन 1943 का। नेक्स्ट है ये इंडिया का डेटा है जिससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं 15-16 का, कि उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 इयर्स थी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 5.4 इयर्स, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 11.7। ये जस्ट आपके अनुमान के लिए है, आप इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, अब आप सर्च कर सकते हैं कि अभी कितना है। GNI पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी थी, 5,497 US डॉलर्स। ये जो हम बात कर चुके हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी में जो डॉलर लिया जाता है वो मार्केट एक्सचेंज रेट के बेसिस पर नहीं लिया जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर लिया जाता है। ये देखिए कि 1990 में HDI को इंट्रोड्यूस किया गया और 2010 में एक तो हमारा नया मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया गया और दूसरा तीन और इंडाइसेस इंट्रोड्यूस किए गए, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फोर्थ है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और 2014 में एक और इंट्रोड्यूस किया गया GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें क्या किया जाता है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग देखी जाती है,
अडल्ट लिटरेसी रेट भी मेल फीमेल के लिए, इनकम भी सभी को मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मेजर किया जाता है और जीडीआई को कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया में एचडीआई का कैलकुलेशन 2002 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है जिसने एचडीआई का कैलकुलेशन स्टार्ट किया 1995 में। इंडिया के रैंक की बात करते हैं अभी कि 189 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 2018 में 130वां था, 2019 में 129th। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाती है वो हमारा रैंकिंग में हम ऊपर जाते जाते हैं। ये 129 में हम एक स्टेप ऊपर गए, 130 के कंपैरिजन में हम थोड़ा पहले आ गए 129th रैंक पे, और 2020 में हमारी पोजीशन दो स्टेप नीचे हो गई, 129 के बाद 130, 31, 2 स्टेप डाउन चले गए हम। और ये जो डेटा है वो कोरोना रिलेटेड डेटा को एक्सक्लूड करके है, उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अब आप इसके बारे में और देख लेते हैं, जो दो ये जो रिपोर्ट होती है, इंडेक्स होता है, वो उससे पहले साल के डेटा के बेस पर होता है। तो जो 2019 में एचडीआई की वैल्यू है, रैंकिंग है इंडिया की, तो उस वक्त बेस्ड ऑन 2018 डेटा वैल्यू वाज 0.642। अभी हमने बात की कि स्केल के कितना होता है, रेंज कितनी होती है एचडीआई की वैल्यू की, 0 से 1 तक। तो 2018 के डेटा के बेस पर ये वैल्यू थी 0.642, और 2019 के डेटा में ये हमारी वैल्यू है 0.645। आप देख सकते हैं कि रैंकिंग में तो 2 स्टेप नीचे गया है इंडिया, लेकिन एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 0.642 से 0.645। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि जीएनआई पर कैपिटा पहले साल के कंपैरिजन में अगले साल कम हो गई थी। ये एक और बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये एचडीआई से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर कार्बन एमिटेंस की बात करें तो इंडिया ने इम्प्रूव किया है, 8 रैंक ऊपर गया है, कार्बन एमिटेंस में कंट्रोल किया है इंडिया ने। फिर हम ये लेटेस्ट डेटा की बात कर लेते हैं, जो 2020 की रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है, 2019 के डेटा पर बेस्ड है। यहाँ पर हमने कुछ कंट्रीज को लिया है, सभी कंट्रीज को लेना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे, वैल्यू कितनी है एचडीआई इंडेक्स में, 0.957। सेकंड नंबर पर है आयरलैंड, नॉर्वे बहुत सालों से नंबर 1 पोजीशन पर चल रहा है, और स्विट्जरलैंड भी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में टाई है सेकंड पोजीशन को लेके, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड दोनों की वैल्यूज देखिए सेम है। उसके बाद है हांगकांग, ये एशियन कंट्री है, इसकी यहाँ पर एचडीआई वैल्यू है 0.949। फिर हम इंडिया की बात करें, वो 131 रैंक पर है। उससे पहले आप ये देखिए कि श्रीलंका हमारे से ऊपर है, 72 रैंक है, और एचडीआई वैल्यू 0.782। 85th रैंक पर चाइना है, वैल्यू कितनी है, 0.761। 129th रैंक पर भूटान, भूटान भी हमारे से ऊपर है, देखिए 0.654, और इंडिया की 0.645। 133 रैंक पर है बांग्लादेश, 142 रैंक पर है नेपाल। ये देखिए इंडिया के आसपास की कंट्रीज की सिचुएशन हम देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज इंडिया से ऊपर भी हैं, और बांग्लादेश है वो काफी क्लोज ही है 133 रैंक पर, और ये नेपाल, फिर पाकिस्तान। आप ये सारी वैल्यूज नोट कर लेंगे और आंसर में अपने लिखेंगे। और लास्ट जो हमारा है, जिसकी रैंकिंग है, नाइजर, अफ्रीका का कंट्री है, और वैल्यू कितनी है, 0.394। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री किस रेंज में आ रहा है। एचडीआई की जो वैल्यूज हैं वो 0.350 से नीचे तो किसी भी कंट्री की नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज कितनी होंगी, 0.350 से 0.549 तक।
अगर वैल्यूज आती हैं तो वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट को दर्शा रही हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट 0.550 से 0.699 तक, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 0.700 से 0.799 तक, और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज होंगी 0.800 से 1 तक, 1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 30 कंट्रीज हैं ऐसे, और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले 22 कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज में लो और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये मैं बता चुकी हूँ कि HDI की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 साल पहले का डेटा लिया जाता है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हायर इट्स वैल्यू ग्रेटर इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल बात है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी 1 के क्लोज होगी उतना ही ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमने डिफरेंट मेजर्स किए जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, उनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि चाहे कितने ही तरीके विकसित हो जाएं, लेकिन जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो, क्योंकि सभी कंट्रीज का वो डेटा अवेलेबल होता है, उसके बेसिस पर कंपैरिजन करना आसान होता है, तो वो हमेशा ही ज्यादा पॉपुलर रहेगा। व्हाट सो एवर चेंजेस देयर मे बी इन फ्यूचर इन द मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकते ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, हमेशा ही देखा जाएगा, उसके बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, खासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। पहली बात तो इकोनॉमिस्ट ये डिफाइन ही नहीं कर पाते कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सा मेजर बेस्ट है। किसी को नेशनल इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन करना सही लगता है, किसी को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, किसी को ये जो हमारे डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं उनके बेसिस पर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स इग्नोर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, और वो सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस और अदर फैक्टर्स से भी प्रभावित होती है, और इसके संबंध में डेटा कलेक्शन काफी मुश्किल काम है और एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर एक कंट्री का कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, डेटा कैलकुलेशन की हर एक कंट्री की अलग अलग प्रॉब्लम रहती हैं। कंट्रोवर्सी है नेशनल इनकम को देखा जाए या पर कैपिटा इनकम को देखा जाए, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। ये जरूरी हो जाता है कि हम उस कंट्री की सिचुएशन नेशनल इनकम के बेसिस पर भी देखें और पर कैपिटा इनकम के भी बेसिस पर देखें, क्योंकि एक तरीके से अगर एक कंट्री को देख रहे हैं तो उससे हमें सफिशिएंट नॉलेज नहीं मिल पाती है उस कंट्री की पोजीशन के बारे में। डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हम बात कर चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट ना होकर क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स को देखा जाता है और उसके बारे में मेजरमेंट उसका करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्राइसेस में भी चेंज होते रहते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि जो हम नेशनल इनकम के बेसिस पर या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि डेटा कलेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। फिर है डिफिकल्टीज कंसर्निंग स्टेटिस्टिक्स, ये स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करना एक टीडियस टास्क है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इसके लिए मुश्किल आती है हर प्रकार का डेटा और उसको कंटिन्यूअस मेंटेन रखना, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि पर कैपिटा रियल इनकम इज डीम्ड एज
मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर एक जो तरीका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी एस्पेक्ट को वो कवर कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वो मेजरमेंट का तरीका बेहतर है जो हमारा उस वक्त का ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर दे रहा है। उस वक्त हम किस चीज को देखना चाह रहे हैं, इकोनॉमी के साइज को देखना चाह रहे हैं, या वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाह रहे हैं, या इस तरीके से हम हेल्थ, एजुकेशन और इनकम जैसे इंडेक्स हैं हमारे HDI, उसके बेसिस पर देखना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो ये था आपका HDI का कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देख करके, डेटा नोट करके अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।